नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल आधार कार्ड सॉल्यूशन में। दोस्तों बहुत सारे लोग हमारे पास आ रहे थे जो राशन कार्ड के बारे में जानकारी चाहते थे कि राशन कार्ड कैसे बनेगा और किस प्रकार से बनेगा। और मुझे पता है हमारे चैनल में सारे हमारे कस्टमर्स, क्लाइंट्स और बाकी वही लोग जुड़े हैं जो हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग आ चुके हैं, जो ज़्यादातर मुझे जानते ही हैं, किसी न किसी तरीके से लोग मुझे जानते ही हैं, वही लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं और हमें इतना प्यार और सपोर्ट उनका बना हुआ है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं अपने दर्शकों और व्यूवर्स और अपने दोस्तों यारों को बताया जाए कि किस तरीके से आप नया राशन कार्ड आपका अगर नहीं बनना है तो नया राशन कार्ड आप कैसे बनवा सकते हैं और तो क्या क्या कागज़ लगेंगे, उसकी क्या एलिजिबिलिटी है, क्या पात्रता है, क्या क्या उसमें लगेगा। मैंने सोचा एक वीडियो बना दिया जाए और आप लोगों को इसकी जानकारी दे दी जाए। वैसे तो हमारा ऑफिस सिर्फ BSNL ऑफिस है, सिर्फ यहाँ आधार कार्ड का ही काम होता है, लेकिन अगर मुझे जानकारी है तो मैंने सोचा अपने व्यूवर्स को जानकारी दे दी जाए। तो आइए शुरू करते हैं और मैं आपको आज लाइव भी दिखाऊंगा किस तरीके से आप ऑनलाइन फॉर्म उसका भरेंगे और भरवा भी सकते हैं किसी नेट कैफे या इंटरनेट कैफे में जाकर। तो शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि जो नया राशन कार्ड बनवाने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एज है और किसके नाम आधार कार्ड बन, किसके नाम सॉरी आधार कार्ड नहीं, मैं आधार कार्ड काम करता हूँ, मुझसे आधार कार्ड ही निकल जाता है, किसके नाम राशन कार्ड बनेंगे। तो जब से नरेंद्र मोदी सरकार आई है तब से वन नेशन वन कार्ड का प्रावधान किया गया है। इसमें क्या होता है, जो राशन कार्ड आप बनवाएंगे कहीं से भी और किसी भी पूरे भारत में कहीं से भी आप रह रहे हो, आप राशन कार्ड से अपना अनाज ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो जब वन नेशन वन कार्ड का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ राशन कार्ड का, तब क्या हुआ, घर की मुखिया जो गृहिणी है महिला के नाम राशन कार्ड बनने लगे हैं। राशन कार्ड क्या होता है, राशन कार्ड चार प्रकार के राशन कार्ड पहले थे, पहले APL, BPL, अंत्योदय और पात्रग्रस्ती। तो सरकार ने APL और BPL कार्डों को हटा करके अब सिर्फ दो प्रकार के कार्ड्स जारी किए हैं, एक पात्रग्रस्ती और दूसरे अंत्योदय। इसमें क्या है, सबसे पहले तो अब हम डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स से पहले हमें जानना होगा इनकी एज, मिनिमम एज क्या होनी चाहिए। जो घर की मुखिया गृहिणी है उसकी एज 18 साल होनी चाहिए। इसमें ज़रूरत जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, इसमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए हमें सबसे पहले मुखिया का आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, निवास और आय प्रमाण पत्र। इसके बाद जो घर की मुखिया है उसका जो इनकम सर्टिफिकेट आय प्रमाण पत्र होगा वो 48,000 रुपये सालाना इनकम का होना चाहिए, ठीक है। और ये APL, BPL, पात्रग्रस्ती और अंत्योदय, ये चार राशन कार्ड में से APL और BPL ये दो राशन कार्ड भारत सरकार ने हटा दिए, अब सिर्फ अंत्योदय और पात्रग्रस्ती ही चल रहे हैं। जैसे अंत्योदय राशन कार्ड उन लोगों के बनते हैं जिनके घर में कोई मुखिया जो है वो कोई कमाने लायक नहीं है, ठीक है, और सब नाबालिग हैं या घर का मुखिया भी कमाने लायक नहीं है। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं कोई कमाने लायक नहीं होता है, तो उनकी जीविका चलाने के लिए सरकार ने उनके लिए अंत्योदय राशन कार्ड की व्यवस्था की है, जिसमें एक सूक्ष्मतम दर पे राशन मिलता है, शक्कर, दाल और गेहूँ वगैरह जो मिलता है वो मिलता है। अब हम आपको ले चलते हैं अपनी विंडो स्क्रीन पर और आपको दिखाएंगे आप किस तरीके से राशन कार्ड का फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगे, तो आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके सपोर्ट और लाइक, कमेंट, शेयर से ही हमें प्रेरणा मिलती है कि मैं और अच्छा से अच्छा कंटेंट और अच्छी से अच्छी जानकारी फिल करना है। इसके बाद में यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिखाया गया इसको फिल करके सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इतना करते ही आप इंडिस्टिक के पोर्टल पे लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पर इंडिस्टिक की जो आईडी है वो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाती है, जिसमें कि CSC केंद्र या फिर जनसेवा केंद्र के माध्यम से आप सभी लोग इस CSC आईडी को ले सकते हो। लेकिन अगर आप एक इंडिविजुअल कस्टमर है तो किसी भी जनसेवा केंद्र या CSC सेंटर पर जाकर के वहां पर आप अपना राशन कार्ड अप्लाई कर सकते हो। अगर आईडी आपको लेना है तो कैसे अप्लाई करना है उसका प्रोसेस मैंने पहले ही बता रखा है। तो लॉगिन होने के बाद में अब यहाँ पर हमें राशन कार्ड को अप्लाई करने के लिए SSDG सर्विसेज के सेक्शन में आना है और यहाँ पर विभागीय एकीकरण सेवाओं हेतु आवेदन करें इस ऑप्शन को हमें चूज कर लेना है। अब यहाँ पर अप्लाई फॉर इंटीग्रेटेड सर्विस इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तीसरे नंबर पर फूड एंड सिविल सप्लाई राशन कार्ड का ऑप्शन आपको दिया गया है, तो हमें इसी पे क्लिक कर लेना है। लेफ्ट साइड में यहाँ पर आप सभी को
एक मेनू बार दी गई है जिसपे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक नए राशन कार्ड को अप्लाई करने का ऑप्शन मिल जाता है। राशन कार्ड आवेदन के सेक्शन में आप देखेंगे नई प्रविष्टि पात्र गृहस्थी, इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। अब क्लिक करते ही आपके सामने आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, तो इस लिस्ट में से चूज कर लेना है। यहाँ पर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं या नगरी क्षेत्र से हैं, यहाँ पर चूज कर लेना है। जिसके बाद में आप आगे बढ़ेंगे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब आपसे यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट की डिटेल मांगी जाती है, जिसमें कि आप सभी को यहाँ पर उसका जो एप्लीकेशन नंबर है, सर्टिफिकेट आईडी है, वो आपको यहाँ पर फिल करनी है। तो ये जो डिटेल है जब आप इनकम सर्टिफिकेट को अप्लाई करते हैं उस पर ही मिल जाती है। फिल करने के बाद आगे बढ़े के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके इनकम सर्टिफिकेट से कई सारी डिटेल यहाँ पर ऑटोमेटिक फेच हो चुकी है। अब यहाँ पर जो भी डिटेल्स मिसिंग है केवल उन्हीं डिटेल्स को हमें फिल करना है, जिसमें जिस भी राशन कार्ड डीलर के साथ में आप अपना राशन कार्ड मैप करना चाहें उसको चूज कर लेना है। इसके बाद में कार्ड प्रकार के सेक्शन में आप देखेंगे तो आपकी इनकम के हिसाब से ये ऑटोमेटिक पहले से लॉक हो चुका है, तो यहाँ पर ये जो है पात्र गृहस्थी के अंतर्गत राशन कार्ड आप सभी को दिया जाएगा। इसके बाद में आप सभी को पेज में नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर अब आप सभी को परिवार के मुखिया का नाम फिल करना है। मुखिया जो है महिला रहेगी परिवार की, तो श्रीमती यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप सभी को महिला का नाम फिल कर देना है। उसके बाद में उसी नेम को इंग्लिश लैंग्वेज में यहाँ पर आप सभी को फिल कर देना है और उसके पिता का नाम यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में फिल करना है। इसके बाद में जिस भी कास्ट से हैं वर्ग के सेक्शन में आकर के आपको अपनी कास्ट को चूज कर लेना है। मोबाइल नंबर जनतित को फिल कर देना है, आधार कार्ड नंबर को फिल कर देना है और यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड नंबर अगर है तो फिल कर देना है, अदरवाइज ये मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद में मेल फीमेल जो भी जेंडर है चूज कर लेना है और यहाँ पर जो भी व्यवसाय है यहाँ पर मुखिया का ही व्यवसाय आपको फिल करना है, जिसमें कि महिला गृहिणी है तो गृहिणी का ऑप्शन हम चूज करेंगे और यहाँ पर परिवार की जितनी भी इनकम होगी वो इनकम सर्टिफिकेट से आप देखेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पर आ चुकी है। आपको परिवार में गैस कनेक्शन है या फिर नहीं है यहाँ पर आप सभी को चूज करना है और गैस कनेक्शन पाइपलाइन से है तो अगर है तो ऐसा चूज करना है, अदरवाइज नो के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद में यहाँ पर अगर ईमेल आईडी है तो फिल कर देना है, विद्युत कनेक्शन है तो आपको फिल कर लेना है। इसके बाद में आगे बढ़े के ऑप्शन पे क्लिक करना है तो इतना करते ही आपकी जो डिटेल है वो सुरक्षित हो चुकी है। आपको यहाँ पर ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर सेकेंड पेज पर आ चुके हैं जिसमें कि आप सभी को करंट एड्रेस की डिटेल्स फिल करनी है, जिसमें कि मकान नंबर, ग्राम पंचायत, तो यहाँ पर दोनों ही पते आपको फिल कर लेने हैं। परमानेंट एड्रेस भी नीचे की तरफ फिल कर लेना है। यहाँ पर एड्रेस डिटेल को फिल करने के बाद में सुरक्षित करें आगे बढ़े के ऑप्शन पे क्लिक करना है तो इतना करते ही आप यूनिट को ऐड करने के लिए पेज पर आ चुके हैं, जिसमें कि महिला का जो नेम है आप यहाँ पर देखेंगे वो पहले से ही यहाँ पर ऐड है। यहाँ पर परिवार के जितने भी अन्य सदस्य हैं उन सभी का नाम आपको वन बाय वन ऐड करना है। यहाँ पर ऐड करने के लिए नया परिवार का सदस्य जोड़े हमें इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर श्री श्रीमती जो भी टाइटल है चूज कर लेना है। परिवार के सदस्य का नाम यहाँ पर हिंदी में, उसके बाद में इंग्लिश लैंग्वेज में यहाँ पर फिल कर देना है, डेट ऑफ बर्थ को फिल कर देना है, मेल फीमेल जो भी जेंडर है उसको यहाँ पर चूज कर लेना है। इसके बाद में मुखिया से जो भी संबंध है यानी कि महिला से जो भी उनका संबंध है, यहाँ पर कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको चूज कर लेना है। आधुनिक वितरण प्रणाली में आधार का उपयोग करें, यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप सभी को अपना आधार नंबर फिल कर देना है। इसके बाद में सदस्य जोड़े के ऑप्शन पे क्लिक करना है तो यहाँ पर आप देखोगे हमने एक सदस्य को ऐड किया है तो वो सक्सेसफुली यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब इसी तरीके से परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनको वन बाय वन इसी तरीके से ऐड कर लेना है। इसके बाद में सुरक्षित करें आगे बढ़े के ऑप्शन पे क्लिक करना है तो यहाँ पर आप देखेंगे यूनिट की डिटेल्स भी यहाँ पर ऐड हो चुकी है। अब हम आ चुके हैं बैंक विवरण में, जिसमें कि बैंक खाता जिनके भी नेम से है पहले तो वो आपको चूज करना है, मुखिया के नाम से है या फिर उनके पति के नाम से या फिर बेटे के नाम से यहाँ पर चूज कर लेना है। बैंक खाता धारक का जो भी नेम है यहाँ पर ऑप्शन आपको शो हो जाते हैं, इनमें से चूज कर लेना है और यहाँ पर बैंक का जो भी नाम है इस लिस्ट में से चूज कर लेना है, शाखा का नाम चूज कर लेना है, आगे बढ़े के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। हमारी बैंक डिटेल भी अपडेट हो चुकी है। अब हम अटैचमेंट सेक्शन में आ चुके हैं, जिसमें कि यहाँ पर हमें मुखिया की एक फोटोग्राफ अपलोड करनी है तो यहाँ पर इमेज को पहले से क्रॉप करके आपको रखना है, इसके बाद में सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में बैंक पासबुक के सेक्शन में आना है, यहाँ पर बैंक पासबुक को भी आपको चूज कर लेना है।
और यहाँ पर आप सभी को आधार की एक कॉपी को अपलोड करना होगा। आगे बढ़े के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर आते हैं जिसमें कि आप सभी को यहाँ पर पढ़ना है और जो भी आपको यस नो में आंसर देने हैं यहाँ पर वन बाय वन आप सभी को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में घोषणा के सेक्शन में यहाँ पर जो भी आप जानकारी दे रहे हैं वो बिल्कुल ही सही है, इसके लिए इस पे टिक कर देना है और सुरक्षित करें के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सुरक्षित करें के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो राशन कार्ड का रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पर इस नंबर को आप सभी को अपने पास में नोट करके सुरक्षित करके रख लेना है। तो राशन कार्ड को अप्लाई करने के बाद में अब हमें दोबारा से होम पेज पर आना है और यहाँ पर NFSA का जो ऑप्शन है इस पे हमें क्लिक करना है और अब हमें चेक फॉर्म प्रिंट करें इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर अपना जो डिस्ट्रिक्ट है चूज करना है। इसके बाद में जो राशन कार्ड नंबर अभी हमें मिला है अप्लाई करने के बाद में वो यहाँ पर फिल करना है, सर्च के ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। तो सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपका जो फॉर्म है वो आपके सामने शो हो जाता है। आप सभी को यहाँ पर अपनी डिटेल को वेरीफाई कर लेना है। यहाँ पर इस रिसिप्ट पर देखोगे कि अभी ये जो एप्लीकेशन है ये अग्रेसित नहीं हुई है, इसको हमें सेंड करने के लिए इसको फाइनल लॉक हमें करना होगा। तो इसके लिए NFSA के सेक्शन में आना है और यहाँ पर अब हमें ऑप्शन मिल जाता है आवेदन को संबंधित अधिकारी को अग्रेषण, तो हमें इस ऑप्शन पे ही क्लिक कर लेना है और अगेन डिस्ट्रिक्ट को चूज करना है। यहाँ पर अपना राशन कार्ड नंबर फिल करना है और आधार डुप्लीकेट चेक हेतु अग्रेषण करें इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर बताया जाता है कि आपके डॉक्यूमेंट को चेक करने के लिए 24 घंटे का समय लग सकता है जिसमें कि ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब हमें कुछ समय वेट करने के बाद में राशन कार्ड पावती रसीद के ऑप्शन पे क्लिक करना है, टिक चूज करना है, अपना जो आवेदन क्रमांक है वो यहाँ पर फिल करना है, सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे अब जो आपका राशन कार्ड का आवेदन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। आपके सामने राशन कार्ड को अप्लाई करने की जो रिसिप्ट है वो भी जनरेट होकर के आ चुकी है। आप चाहें तो जल्दी से राशन कार्ड को अप्रूव कराने के लिए अपने फूड इंस्पेक्टर के पास में फिजिकल एक कॉपी भी सेंड कर देनी है जिससे कि आप सभी का जो राशन कार्ड है वो जल्दी से वेरीफाई होकर के आपका राशन कार्ड कंप्लीट हो जाता है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं